ना मौजम वक्त एमपी अब तक का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल की खबर के साथ, जहां राजधानी में बदमाशों के हौसले बढ़े हुए हैं। बदमाश का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल है। नशे की हालत में तमंचा लहराते दिखा है बदमाश। 10 नंबर मार्केट के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल है। नशे की हालत में बदमाश तमंचा लहराते हुए दिखा है। 10 नंबर मार्केट के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। वासु चौरे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। वासु, एक और तस्वीर भोपाल से जो सवाल खड़े कर रही है कि यहां पर आखिरकार क्यों बदमाशों के मन में कानून का डर नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है? और बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में ऐसा लग रहा है कि बदमाशों की मनमर्जी की तस्वीरें आम हो चुकी है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जब चाहे जा चाहे वो जो भी गुंडागर्दी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी किसी को मारपीट होती है, कभी धारदार हथियार से हमला होता है, कभी नशे की हालत में बंदूक लहराते हुए जो बदमाश हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो नजर आते हैं। और इसके बावजूद बड़ी बात यह है कि प्रशासन की ओर से तत्काल कोई एक्शन वहां पर नहीं दिखाई देता। हालांकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का ये कहना है कि हम लोग पुलिसिंग बढ़ा रहे हैं, पुलिसिंग को सख्त करने का काम किया जा रहा है, और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं और लोगों में खौफ पैदा करने का काम कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अपना बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाएं आना बंद कब होंगी और भोपाल शहर के लोग खौफ मुक्त कब रह सकेंगे? जी बहुत धन्यवाद वासु आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर भी भोपाल से है, जहां युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बदमाशों के गैंग ने युवक पर हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में 6 से 7 बदमाश हमला करते हुए दिखे। एफआईआर के बाद भी बदमाश पकड़े नहीं गए। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो राजधानी में बदमाशों का ये आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह ये तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक ही गैंग के बताए जा रहे हैं। एक के हाथ में डंडा भी है। देखिए वो यहां एक शख्स पर वार करता है, पीछे से उसी का साथी आकर उस शख्स को रोक लेता है। यहां देखिए सड़क पर आगे की तरफ लाकर उस पर लगातार हमला किया जा रहा है। सफेद कमीज पहने, सफेद रंग के कपड़े पहने हुए शख्स जब खुद को बचाने की कोशिश करता है तो बदमाश के साथ ही आ जाते हैं और पूरे उस रास्ते में घेर कर इस तरह से खड़े हुए हैं, मानो कोई भी आगे मदद करने के लिए आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तस्वीरें ये भी भोपाल की हैं और जिस तरह से एक ही बाद एक इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये राजधानी में हुआ क्या है कि यहां बदमाशों को, आदतन अपराधियों को बिल्कुल भी पुलिस का डर नहीं है, खौफ नहीं है। एक के बाद एक आ रही तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से ये बेखौफ है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तमंचा लहराते हुए आप इस शख्स को देख सकते हैं, टोपी पहने हुए शख्स, इसके हाथ में तमंचा है। और एक और तस्वीर जहां पर 4-5 बदमाश मिलकर एक युवक को घेर लेते हैं, फिर उनमें से एक बदमाश आगे बढ़कर उस युवक को पिटाई शुरू कर देता है। राजधानी में आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। जैसे कि वासु हमारे सहयोगी ने बताया कि पुलिस कह रही है कि पुलिसिंग बढ़ाई जाएगी, लेकिन कब तक ऐसा होता है देखना होगा। अगली खबर सागर से है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू होकर पलटा एक कंटेनर जिसमें राख ले जाई जा रही थी। हादसे में एक की मौत हो गई है, दो बुरी तरह फंसे हैं। हाइड्रा और जेसीबी से दोनों को निकाला गया है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सागर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक कंटेनर पलट गया। बताया जा रहा है कि इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी। हादसे में एक की मौत हो गई है, दो बुरी तरह फंस गए थे घटनास्थल पर, जिन्हें हाइड्रा और जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया और उसके बाद जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं।
अगली खबर भी धार से है, जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलटी है। बस दुर्घटना में 12 यात्री घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया, वहां उनका इलाज किया जा रहा है। बदनावर से धार जा रही थी प्राइवेट बस। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां पर अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई। इस बस दुर्घटना में 12 यात्री घायल हो गए। इस बस की स्पीड भी बहुत ज्यादा बताई जा रही है। वहीं भोपाल के करौंद में एक बड़ा हादसा टला है। नाले के बहाव में स्कूल के बच्चों से भरी वैन फंस गई। स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बचाया। सामने आई भोपाल नगर निगम की लापरवाही। सफाई नहीं होने की वजह से उफान पर नाला है। नाले के पास लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और नाले के बहाव में, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो ऐसे नाले में पानी बहुत ज़्यादा था, ओवरफ्लोइंग ये नाला था, और यहाँ स्कूल के बच्चों से भरी एक वैन फंस गई। इस वैन में बच्चे बैठे हुए थे। स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर बच्चों को बाहर निकाला, सुरक्षित बचाया। भोपाल नगर निगम की लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि नाला में सफाई नहीं हुई थी और इसी वजह से नाले में उफान था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंगरौली के चितरंगी पहुंचे, जहां उन्होंने लाडली बहनों से राखी बंधवाई। इस मौके पर बहनों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को विशाल राखी भी भेंट की। राखी बंधवाने के बाद सीएम ने लाडली बहनों को उपहार भी दिया। सीएम ने लाडली बहनों को राखी के मौके पर 250 रुपए अतिरिक्त देने का भी ऐलान किया। चितरंगी के खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री राधा सिंह सहित सीधी के सांसद राजेश मिश्रा और सिंगरौली जिले के सभी विधायक और पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह मुर्गी हेचरी पुलेट ब्रीडर एवं फीड फॉर्म बहनों के माध्यम से दो धागे बनना कलई पे, परिवार में माता पिता का अपने संतान पे अलग प्रेम होता है, लेकिन माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रेम अगर भाई पे कोई लुटाता है तो बहन ही लुटाती है। बहन के माध्यम से उनकी जिंदगी धन्य होती है, यह हमारी परंपरा है। भाई की शादी भले हो जाए, भाभी घर में आ जाए, लेकिन बहन की आत्मा हमारे साथ लगी रहती है। भांजे भांजी के प्यार में वो अपने बच्चे भी भूल जाती है, ये हमारी संस्कृति है, इसका आनंद है। दिल्ली हादसे के बाद भोपाल प्रशासन भी अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर उतरी। एमपी नगर जोन 1 और 2 इलाके का दौरा किया। प्रशासन ने शनिवार को कोचिंग संचालकों की बैठक बुलाई है। तो दिल्ली में जो कोचिंग में हादसा हुआ, जहां बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई, इस हादसे के बाद भोपाल में भी जगह जगह ये प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर है। एमपी नगर के जोन 1 और जोन 2 में दौरा किया है। जो कोचिंग संचालक थी उनकी बैठक भी बुलाई गई है। इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने अध्ययन लाइब्रेरी को सील कर दिया और इंदौर में लगातार बेसमेंट पर बनी लाइब्रेरी, कोचिंग और गोदाम दुकान पर कार्रवाई जारी है। अब तक 26 कोचिंग संस्थान सील किए जा चुके हैं, तो वहीं 3 दर्जन से ज्यादा बेसमेंट में बनी दुकानों, लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई हो चुकी है। उधर नीमच शहर के जारोली ट्रेड सेंटर के बेसमेंट को जिला प्रशासन ने जांच के बाद सील कर दिया है। बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने के बाद दुर्घटना और हादसे की आशंका में यह कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई दिल्ली और जयपुर की घटना के बाद जिला प्रशासन ने की है। नहीं देता यूं मत सोया। अरे भैया ओ भाई साहब।
अगली खबर जबलपुर से है, जहां एमपी वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से झटका लगा है। 3 ऐतिहासिक इमारतें बोर्ड की संपत्ति नहीं है। बुरहानपुर की 3 इमारतें वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने एएसआई के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। वक्फ बोर्ड ने 3 इमारतों को बताया था अपनी संपत्ति। तो बुरहानपुर की 3 इमारतें बोर्ड की संपत्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने एएसआई के पक्ष में फैसला सुनाया है। वक्फ बोर्ड ने इन तीनों ही संपत्तियों पर अपना दावा किया था। एमपी के ग्रामीण पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल इंदौर में आयोजित ईएसआईसी की रीजनल बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान प्रहलाद पटेल दस्तावेज सही क्रम में नहीं रखने पर अधिकारियों पर भड़क गए और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बैठक में ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है, आप कागज सही क्रम में देखने की आदत डालिए। उन्होंने ईएसआईसी को लेकर एमपी में कहां कहां सुधार की आवश्यकता है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट विभाग में जमा करने के निर्देश दिए। हमारे कर्मचारी बीमा निगम के सभी भारत सरकार के अधिकारियों का और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस बैठक में जो मजदूर हित के लिए प्रतिनिधित्व देने वाले हमारे कर्मचारी नेता, उन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये संवाद का ऐसा मंच है जहाँ कर्मचारियों के हित में सदैव सिर्फ चर्चा नहीं होती, कुछ निर्णय बेहतर होते हैं। इस सौहार्दपूर्ण चर्चा के लिए मैं सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। आरएसएस गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों से बैन हटने के बाद अब समन्वय के प्रयास तेज हो गए हैं। अब संविधा भी केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों से सीधा संवाद कर सकेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी संविधा पहुंचे थे। संघ की तरफ से मध्य क्षेत्र कार्यवाह यशवंत इंदापुरकर सीएम कार्यालय से समन्वय करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद संघ और सत्ता में समन्वय के प्रयास तेज हो गए हैं। पहले अघोषित था, अब घोषित हो गया, फर्क क्या है? कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है और हमेशा ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से कि हम राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। जब सरकार की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस से समन्वय होगा, आपसी मनमुटाव खत्म होंगे, तो निश्चित रूप से वो बात सामने आई। हमारी प्रेरणा संस्था तो है, हम लोग को क्योंकि हमारे लोग ही सब, हम लोग तो सबसे सलाह, आप लोगों से भी सलाह ले रहे थे, अगर आप कोई हमको अच्छी सलाह दोगे तो हमें मानना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। और वो तो कांग्रेस को देखो, उनके पास कुछ है तो है नहीं, जबरदस्ती का कुछ भी बोल के वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। आपने देखा जनता ने किस तरीके से नकारा उनको। उधर इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से सरकार संघ चलाता है, अब हमारी बात सही साबित हो रही है। तो वहीं पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा। तो इंदौर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इंदौर में कांग्रेस ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने हाथ में कटोरा लेकर प्रोटेस्ट किया। आईडीली कॉलेज का एक प्रकरण हुआ था जिसमें कि प्रश्न पत्र लीक होने का उनको दोषी पाया गया था, तो कार्य परिषद ने उनके ऊपर 5 लाख का एक जुर्माना लगाया था। तो उस जुर्माने की जो राशि है 5 लाख रुपए जो निर्धारित करी थी कार्य परिषद ने, शायद आईडीली कॉलेज ने 1 लाख रुपए का चेक भिजवाया है, तो विश्वविद्यालय ने उसको वापस करने का निर्णय लिया और हमने उसको चेक को वापस भी कर दिया है। कल वापस किया हमने 31 तारीख को। और जो वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता आज आए थे प्रदर्शन करने, उनको हमने अवगत कराया कि हमने चेक वापस कर दिया, 5 लाख रुपए से कम की राशि विश्वविद्यालय स्वीकार नहीं करेगा। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे की अगुवाई में जीवाजी यूनिवर्सिटी के गेट पर जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन में एनएसयूआई के करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बता दें कि एनएसयूआई ने सीट बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन के चलते यूनिवर्सिटी का गेट छावनी में तब्दील दिखा। पुलिस ने यहां भारी बैरिकेडिंग की हुई थी। प्रदर्शन के दौरान जब एनएसयूआई कार्यकर्ता उग्र होकर गेट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, तो फिर पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। हालांकि जब एनएसयूआई कार्यकर्ता
बैरिकेड लांघकर गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने करीब 25 से 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कुछ नहीं मिलेगा इन्हें गिरफ्तार करने से हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं। हमें चोट लगी है पर हमारे पास के छात्र है उनके और यूथ कांग्रेस के स्टेट लीडर भी था इनके साथ। इनका छात्राओं के लेके कुछ कोर्सेस को लेके कुछ डिमांड्स था, उसी को लेके इनका पहले भी आवेदन दे चुका है, ज्ञापन दे चुका है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। ये बोल के इन लोग आज विश्वविद्यालय के घेराव प्लान किया है, उसका अनाउंसमेंट किया, फिर कुछ लोग अंदर घुसने का प्रयास किया, बैरिकेड तोड़ के अंदर आने का प्रयास किया, तो पुलिस को कुछ बल प्रयोग का आवश्यकता लगा। तो जो इनका नेता है वो सिटिंग किया था, उनको बाहर जाने का मौका दिया था बट वो अड़े रहे और मना किया, तो इनको गिरफ्तार करके हम जेल कंपाउंड भेज दिया है। आगे की कार्रवाई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करेंगे। इंदौर की सड़कों पर भीख मांगने वालों ने मुसाफिरों का चलना मुश्किल कर दिया है। भिखारी चौक चौराहों और सिग्नल पर जबरन भीख मांगते हैं। इंदौर के खजराना चौक का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें वाहन चालकों से महिला भिखारी भीख देने के लिए वाद विवाद कर रही है। देश प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ऐसे ही भीख मांगने का मामला आम हो गया है। इससे जो मुसाफिर होते हैं, वाहन चालक होते हैं, परेशान होते हैं। इंदौर कलेक्टर ने भीख मांगने और भीख देने पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे लेकिन सड़कों पर इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। नागपंचमी के त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में यह फैसला लिया गया कि श्रद्धालुओं को कम से कम समय में दर्शन हो सके और उन्हें पीने के पानी का समुचित इंतजाम मिले। इसके अलावा भारी भीड़ को देखते हुए बैरिकेड की व्यवस्था पर भी बात हुई। बैठक में खोया पाया केंद्र सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में जिला प्रशासन के साथ IG और SP सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। महाकाल मंदिर में व्यवस्थाओं के संबंध में आज बैठक ली गई है जिसमें कि जो सभी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुगमता से दर्शन कर सकें, पार्किंग व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भूख व्यवस्था, बैरिकेडिंग व्यवस्था, इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और श्योपुर जिले में रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश की वजह से अमराल नदी उफान पर है जिससे 20 गांव का सोई कला कस्बे से संपर्क कट गया है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के सामान से लेकर अन्य दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अमराल नदी में आए उफान की वजह से सोई कला गिलास रोड पर नदी के ऊपर बना रपटा पानी में डूब गया है। नदी के दोनों ही तरफ ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोग नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार करते रहे। लोगों का आरोप है कि हर साल नदी का जलस्तर बढ़ने पर रपटा पानी में डूब जाता है। नदी पर बड़ा पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है लेकिन बड़े पुल का निर्माण नहीं हुआ। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बादल फटने की वजह से शिवपुरी के 48 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। सभी श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बता दें कि केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बुधवार की रात बादल फटने से रास्ते का करीब 30 मीटर का हिस्सा बह गया। इसे चलते दोनों ही तरफ सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए थे जिसके बाद NDRF और DDRF जवानों को रेस्क्यू अभियान में लगाया गया था। शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे के रहने वाले करीब 50 श्रद्धालु चार धाम यात्रा सहित बद्रीनाथ में आयोजित होने वाली भागवत कथा में शामिल होने गए। लोगों का उनके पालतू पशुओं के साथ हमेशा ही एक भावुक संबंध रहता है जो कभी इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपने पशुओं को भी परिवार का ही सदस्य मानते हैं। ऐसा ही नजारा बैतूल जिले की मुलताई तहसील के बिछुआ गांव में देखने को मिला जहां किसान के पालतू बैल की मौत हो जाने पर किसान परिवार गहरे दुख में आ गया। किसान ने अपने बैल को सम्मान देने के लिए बाकायदा उसका वैसा ही अंतिम संस्कार किया जैसा किसी इंसान की मृत्यु पर किया जाता है। घर के सामने बैल का शव रखा गया, पूरे अनुष्ठान किए गए, बैल के शव पर पीताम्बरी ओढ़ाई गई, मृत्यु शैया बनवाई गई और फिर बैल के शव को ट्रैक्टर में रखकर उसकी शव यात्रा निकाली गई।
आइए देखते हैं टॉप 20।